चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूँ, कोकोनट इडली। आप इडली तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस तरह से कोकोनट इडली बना करके खाइए। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बहुत लाजवाब बनता है और बहुत इजली बनता है, कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं आज कोकोनट इडली। फ्लेवरफुल एंड हेल्दी एंड टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी तैयार होता है। चलिए चल करके इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मेरा ये रेसिपी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इडली बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले एक लेते हैं बाउल और इसमें हम एक कप ये डालेंगे उड़द दाल। ये देखिए बिना छिलके का उड़द का दाल है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे इजीली अवेलेबल मिलेगा। तो एक कप हम लिए ये उड़द का दाल बिना छिलके वाले, और इसमें इसी मेजरमेंट से हम तीन कप लेंगे ये कच्चा राइस। इडली वाला राइस है, कच्चा राइस है, इसमें हम डालते हैं तीन कप राइस। अब इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। इडली को दो बनाने के लिए दो से तीन पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक इसका पानी जो है वो साफ ना निकले। और इसके बाद वॉश करके इसको, तो ये राइस और दाल जो हमारा है चार से पांच बार इसको अच्छे साफ पानी से धो लिए हैं। अब इसका पानी जो है पूरी तरह से साफ हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, और वाटर डाल करके इसका लीड हम करेंगे बंद और इसको ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको 3 से 4 घंटा भी सोक करके और परफेक्ट स्पंजी रुई जैसा इडली आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देते हैं, इसके बाद हम इसका करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो देखिए उड़द चावल जो है उसका हम पीस करके एक फाइन बैटर बना लिए हैं। देखिए इस तरह का हमको बैटर चाहिए। देखिए इसका ज़्यादा नहीं पतला होना चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा ही होना चाहिए। और इसको देखिए फिंगर पे अगर इस तरह से करते हैं तो एकदम चिकना और सॉफ्ट बैटर हमारा रेडी है, ज़रा सा इसमें दाना नहीं है। तुमको इसी तरीके के बैटर का ज़रूरत है इडली बनाने के लिए, इससे जो इडली है परफेक्ट बनेगा। इसको हम एक बॉल में सारे बैटर को फ्लैट लेते हैं, इसी तरह से हम इसको सारे पीस लेंगे और पीस करके इसको अब इसमें देखिए इस तरह का हम बैटर की हमको ज़रूरत है। ये जो परफेक्ट इडली बैटर जो है हमारा ये रेडी है। अब इसको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, इसको 1 से 2 घंटा के लिए तरह से कवर करके कहीं एक बॉम जगह पे, थोड़ा सा जहाँ गर्म हो उस जगह पे इसको रख देंगे। और रखने के बाद जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो इसको हम फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें नहीं तो हम सॉल्ट ऐड करेंगे, न कुछ भी ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट ऐड कर देंगे तो इसका जो फर्मेंटेशन जो होगा उसका प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम इसी तरह से 1 से 1.5 घंटा रख देंगे। चलिए चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस में। चलिए चेक करते हैं बैटर का, हमारा 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। तो देखिए बैटर जो है हमारा एकदम फर्मेंट हो गया है और ये अपना क्वांटिटी से डबल हो गया है। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। तब इसमें ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और उसके बाद आपको पता है क्योंकि ये कोकोनट इडली हम बना रहे हैं, नारियल वाला इडली, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। आप एक बार खाइएगा तो पता चलेगा पहले क्यों नहीं ट्राई किए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जितना क्वांटिटी में इसमें हम उड़द लिए थे उतना ही क्वांटिटी में इसमें हम कोकोनट का बुरादा ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चा नारियल को भी क्रश करके और इसमें कद्दूकस से ग्रेट कर लीजिएगा, और ग्रेट करके इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसमें हम कोकोनट ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही लाजवाब और यूनिक फ्लेवर आता है। इससे पहले आप इस तरह का इडली कभी नहीं खाए होंगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मिक्स करने के बाद इसमें हम मारेंगे तड़का। तो तड़का मारने के लिए लें कड़ी का पत्ता और ये सरसों और 2 लाल सूखी मिर्च, इसको हम इसमें इडली में तड़का मारेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ इनो, और इनो डाल करके इसके बाद हम इसको करेंगे स्टीम। तड़का मारने के प्रोसेस में तो सबसे पहले लेते हैं हम गैस कर लेते हैं ऑन, और इस पर रखते हैं एक तड़का पैन। इस तरह कर लेते हैं तड़का पैन हमारा गर्म हो रहा है। तो इसमें ऐड करेंगे हम
टू टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हमें लाल सूखी मिर्च और थोड़ी सी हाफ टेबल स्पून ऑफ ये मस्टर्ड सीड्स। जैसे ये क्रैकल होने लगेगा इसमें हम ऐड करेंगे करी पत्ता, और उसके बाद हम इस तड़का को डाल देंगे इडली में। पहले से ही इडली में हम कोकोनट और इडली बैटर में सॉल्ट ऐड कर चुके हैं, तो इस तरह से एक बार बनाइए, बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगा, सभी लोग को बहुत पसंद आएगा, और इसमें बहुत ईजी तैयार होता है। देखिए हमारा क्रैकल होने लगा है, अब इसमें ऐड करेंगे हम करी पत्ता। तो तड़का देखिए हमारा ये अच्छे से हो गया, अब इससे ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। अब इसको हम डाल देते हैं इडली पे, इससे बहुत ही लाजवाब दम टेस्ट आएगा इस इडली में। अब इसको अच्छे से सबको कर लेंगे मिक्स। तो इडली का बैटर हमारा देखिए फर्मेंट हो के चुका है, इसमें हाफ टेबल स्पून लास्ट में ऐड करेंगे हम इनो। ये ऐसे ही ऑलरेडी फर्मेंट हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। इसको करते हैं साइड, अब चलते हैं स्टीम करने के प्रोसेस में। चलते हैं इडली स्टीम करने के प्रोसेस में। तो हम इस तरह के लेते हैं पतीला, ज़रूरी नहीं है आपको इडली खाने का मन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इडली स्टैंड नहीं है तो इडली हमारा नहीं बनेगा। आप किसी तरह के कढ़ाही पतीला किसी में भी इडली बना सकते हैं, आपके पास स्टैंड ना है तो आप कटोरी में भी इडली बना करके खा सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ही लाजवाब आपका इडली और बहुत ईजी तरीका से बनेगा। तो इस तरह का पतीला लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं 2 कप वाटर, फ्लेम कर देते हैं ऑन, और इसको हम करते हैं कवर, और कवर करके हमारा देखिए बैटर ये रेडी है, और उधर पानी में स्टीम आ रहा है, तब तक हम इसको रेडी करके इडली को रखते हैं। तो इस लास्ट मिनट में हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून इनो। तो इस तरह का लेंगे हम हाफ टेबल स्पून इनो, इसको हम इस तरह का डालेंगे, इस पर ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून वाटर इस तरह से, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसको एकदम लास्ट मिनट में करना है ताकि इडली का जो है बैटर जो है फ्लफी हो जाए। अगर इससे अगर पहले आप करके रख दीजिएगा तो ये रिएक्ट जो करेगा उसका सारा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, इडली उतना फ्लफी नहीं बनेगा। तो इसको हमको एकदम से लास्ट मिनट में करके और इसको हम मिक्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके ये हमारा देखिए बैटर जो है वो स्टीम होने के लिए रेडी है। अब हम चलते हैं इसके जो स्टैंड है, स्टैंड को हम अच्छे से देखिए इस तरह से स्टैंड लिए हैं, इसको ऑयल से स्टैंड कोयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और ग्रीस करके इसमें डालेंगे इडली। इस तरह से लेते हैं इडली स्टैंड, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ग्रीस करके इडली का जो बैटर है इसको इसमें एक एक चम्मच डालते जाएंगे, ज़्यादा ओवर फुलफिल नहीं करना है क्योंकि जब भी स्टीम होगा तो अपने साइज से बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा इसको कम कम भरिएगा तो ये परफेक्ट शेप का निकलेगा। इसी तरह सारे स्टैंड को हम फिल कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम स्टीम। इस तरह से देखिए हम पूरा जो इडली है वो कर चुके हैं, अब इसको हम चलते हैं स्टीम करने के प्रोसेस में। इसको कर देते हैं शेट, और शेट करके इसको हम रेडी रखेंगे। और चलिए चेक करते हैं कि हमारा वाटर में स्टीम आया है या नहीं आया है, उसके बाद हम इसको उसमें डालेंगे। तो देखिए वाटर जो है वो अच्छे से देखिए बॉयल हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब इसको हम इसमें स्टैंड को आहिस्ता से डालेंगे, डाल करके इसका जो कवर वो लगा देंगे, लगा करके इसको हम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद चेक करेंगे जो हमारा इडली हुआ है या नहीं हुआ है। तब तक देखिए इडली हमारा रेडी हो रहा है, तब तक हम इसके साथ खाने के लिए एक पीनट चटनी बना करके रेडी रखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, हमारा इडली का ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो देखिए इडली ऑलमोस्ट हो चुका है, अब देखिए इसको चेक करने का एक तरीका है इडली हमारा हुआ कि नहीं। एक लेते हैं क्लीन नाइफ, एंड नाइफ को बीच में डालेंगे, डाल करके देखिए निकाल रहे हैं, तो ये जो हमारा नाइफ है और नीट एंड क्लीन आ रहा है, इसका मतलब जो इडली हमारा स्टीम हो चुका है। तब इससे ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा, और फ्लेम कर देते हैं ऑफ,
और 2 से 3 मिनट इडली को इसी तरह रहने देते हैं इसी के स्टीम से। इसके बाद इसको हम करते हैं प्लेटिंग। देखिए इडली जो है हमारा पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो इसको देखिए इस तरह से नाइफ से हटा लेंगे, गोल गोल निकाल करके इस तरह से, और हटा करके अब हम इसको देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी इडली हमारा बना है। एक वो देखिए तोड़ के आपको दिखाते हैं, देखिए कितना जालीदार और एकदम परफेक्ट इडली हमारा तैयार है। तो इसी मेजरमेंट से अगर ये बनाइएगा आप कोकोनट इडली तो कोई परेशानी आपको ना होगी। तो देखिए अब हम चलते हैं इसको करते हैं प्लेटिंग। तो हमारा हेल्दी टेस्टी कोकोनट इडली जो है हमारा रेडी हो गया है, और इसको एक बार ज़रूर घर में बना के ट्राई कीजिएगा। और इससे पहले आपको इस तरह का रेसिपी नहीं दिखा होगा, तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर मेरा ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो। और इसके साथ खाने के लिए हम सर्व करेंगे ये पीनट चटनी। तो देखिए ये हमारा जो इडली है वो रेडी है, कोकोनट इडली डिफरेंट टेस्ट और बहुत ही हेल्दी और सॉफ्ट स्पंजी, ये हमारा इडली रेडी है। तो देखिए मिनटों में बन गया ना परफेक्ट इडली, कोकोनट इडली यूनिक और हेल्दी रेसिपी।